तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बांग्ला गेमर पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपके लिए और एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो को अगर कोई शुरू से लेकर एंड तक देख लेना तो उसे कम से 300 रुपीज़ का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। तो आप इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए, और हमारा चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो का मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो आपको पहले मेरा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन ओपन करना पड़ेगा। उसके डिस्क्रिप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दूंगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में आ जाएंगे। तो प्ले स्टोर में आने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको शो करेगा। तो मैं इस ऐप को डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए मेरे सामने यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पर आपके मोबाइल में ये डाउनलोड नहीं रहेगा तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। तो इंस्टॉल करने के बाद आप जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप फास्ट में आपका कोई भी जीमेल दे देना। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरी वाले ऑप्शन पे आपका फ़ोन नंबर देना, और हाँ, यहाँ पे वही फ़ोन नंबर देना जो फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना, और ओटीपी देने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड का नंबर देना, और पैन कार्ड पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपके बारे में कुछ बेसिक सा सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल का आप जवाब दे देना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना और यस कर देना। उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप कनेक्ट विथ डिजिटल लॉक विथ ऐपस्टॉक जो एक नंबर लिखा है वहाँ पे क्लिक करना, और आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आपका बैंक का डिटेल्स दे देना, बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक का अकाउंट नंबर, और आपका बैंक किस टाइप का है, यानी सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, ये आप यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप बैंक का जो पासबुक होता है उस पासबुक का फ्रंट पेज का एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना। और हाँ, याद रहे आप पहले पैन कार्ड का जो डिटेल्स डाला था वो डिटेल्स आप जिसके भी नाम के डिटेल्स डाला था ये बैंक का अकाउंट भी उसी के नाम पे होना चाहिए, नहीं तो आपका ऐपस्टॉक में अकाउंट नहीं ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो आधार है उसका फ्रंट फोटो और सेकेंड में उसका बैक फ़ोटो दोनों अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड का फ्रंट फ़ोटो और बैक फ़ोटो दोनों अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा वीडियो वेरिफिकेशन के लिए। तो आपने यहाँ पे जिसका भी डिटेल्स डाला है उसे आप कहना कि एक हाथ पे उनका आधार कार्ड लेके खड़े रहे, और आप उनका एक 4 या 5 सेकंड का वीडियो बना लेना, और वो वीडियो को आप यहाँ पे अपलोड कर देना। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो खुल के आएगा, यहाँ पे आप ई साइन विथ आधार ओटीपी पे क्लिक करना, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर जो है उस आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर देना, और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपका आधार जिस भी नंबर से लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। आप उस ओटीपी से अपना आधार वेरिफिकेशन कर लेना। तो आप आधार वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। वो आप ईमेल का ओटीपी के मदद से यहाँ पे अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना। तो ईमेल वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अगर आपने सही से डिटेल्स डाला है तो
1 आवर के अंदर अंदर आपका यहाँ पे जो ये जो टिक मार्क है, ये टिक मार्क आपके भी एप्लीकेशन स्टेटस में आ जाएगा। अगर आपने गलत डिटेल्स डाला है तो आपके मेल पे एक मेल आ जाएगा अपस्टॉक की तरफ से। उस मेल पे लिखा रहेगा कि आपने क्या गलत डिटेल्स डाला है। अब जो भी डिटेल्स गलत डाला है, फिर से अपस्टॉक में जाना और उस डिटेल्स को सही करके फिर से यहाँ पे वेरीफाई कर लेना। तो आप जब भी सही डिटेल्स डाल दोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कि आप 1 से 2 दिन पे आपका अकाउंट वेरीफाई होगा और आपका अकाउंट अपस्टॉक पे ओपन हो जाएगा। तो आप 1 से 2 दिन आप रुक जाना और आपका अकाउंट जब भी ओपन हो जाएगा तो आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाला था, उस ईमेल आईडी पे आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर का पासवर्ड वहाँ पे आ जाएगा। तो आप उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देके अपस्टॉक पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये अपस्टॉक अकाउंट है। मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे अपस्टॉक पे मेरा अकाउंट बना लिया था। तो अब मैं मेरा अपस्टॉक पे लॉगिन करता हूँ। तो ये लॉगिन करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप ऊपर में टैप करेंगे तो आपके सामने रेफर एंड अर्न वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक भी फ्रेंड को रेफर करेंगे तो एक फ्रेंड को रेफर करने से आपको 300 रुपया मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने एक या दो या तीन फ्रेंड को भी रेफर कर दिया ना, तो आपने आपको 1000 रुपया मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये ऐप कितना खतरनाक वाला ऐप है। तो आप इस ऐप को ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल कीजिए और मेरी लिंक से आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ये ऐप पे रजिस्टर जो करोगे वो रजिस्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू नहीं जाते तो आप कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आप मेरी लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करके आप यहाँ पे आपका फ्रेंड को रेफर कीजिए। आपका कोई फ्रेंड अगर नहीं भी है तो आप अपना मम्मी और पापा का फोन पे ये ऐप इंस्टॉल कीजिए। ये आपको 600 रुपीज़ का अर्निंग हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक वाला ऐप है। तो मैं इस तरह का और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी और कोई दूसरी वाली वीडियो पे।